चढ़ाई पर चढ़ने का उतरने का टेक्निक कैसे है इनका, ये जानवरों का ये चीज़ एक्टिविटी देखें आप। अब ये पेड़ देखें, थोड़ा सा अलग ही कुदरत का करिश्मा है। देखिए सनसेट होता हुआ, थोड़ी देर में सनसेट हो जाने वाला है। एरिया है ये, यहाँ से जाता है टाइगर। ये देखिए बंदर को, ये देखिए जंगलात वाले हटाते हुए उनको। जैसे ही हमने गाड़ी रोकी वहाँ कॉलिंग यहाँ चल रही थी। ये देखिए ये कर रहा कॉल लगातार, उधर देखते हैं क्या है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे वाइल्ड नाइट ड्राइव चैनल में। तो आप देख रहे हैं अभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जंगल। तो शुरुआत होगी हमारी गर्जिया गेट से 0 पॉइंट तक। तो इस बीच जो वाइल्ड लाइफ दिखेगी वो आप देखेंगे इस व्लॉग में। बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसमें सस्पेंस और थ्रिल दोनों होगा हमेशा की तरह। तो बने रहे वीडियो के साथ। जो इस चैनल पर पहली बार आए और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो जल्दी से हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फटाफट हम पहुँचते हैं 0 पॉइंट तक। तो हो गई हमारी गर्जिया गेट से एंट्री और ये आ गया आपका सीधे हाथ पर गाँव हमेशा की तरह, जैसा है वैसी है अभी फिलहाल। और ये सीधी रोड जो कि नेशनल हाईवे 121 है और लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जंगल जो काफ़ी घना और हरा भरा है अभी। तो देखिए अंदर है स्पॉटेड डियर वो सामने, तो जूम करते हैं दिखाते हैं आपको। हैं तो काफ़ी, शाम होते होते अभी सब रोड किनारे आ जाएंगे पक्का। तो अभी बढ़ते हैं, काफ़ी दूर है ये, लेट हो जाए। अब ये पेड़ देखें, थोड़ा सा अलग ही कुदरत का करिश्मा है ऊपर से, और बीच में पेड़ ऐसा लग रहा फटा हुआ है और उसकी शाखाएं नीचे की ओर आती हुई और जुड़ गई फिर से अपनी पेड़ की जड़ से। तो एक नीचे था, एक ही ऊपर है, पेड़ के बगल में भी है सीधे हाथ में। सीधे हाथ में देखिए, ये नीचे उतरते हुए अच्छा लगेगा शायद। दोनों ही हैं, दोनों नीचे उतरते हुए आ रहे। कहाँ पर है, एक इधर है एक उधर है। अच्छा ऊपर एक, हाँ वो है। देखो ना कितनी ऊंचाई है, एक और है, एक और आ रहा है। ये देखिए चढ़ाई पर चढ़ने का उतरने का टेक्निक कैसे है इनका, ये जानवरों का ये चीज़ एक्टिविटी देखें आप। और जैसे कि हम देख रहे हैं, जैसे हम लोग तिरछे चढ़ते हैं और तिरछे ही उतरते हैं, और वैसे ही ये भी उस टेक्निक को अपना रहे हैं। तो हम अभी हाईवे पर हैं, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड जो जिम कॉर्बेट का जंगल है वहाँ है ये व्यू। तो बढ़ते आगे वरना अंधेरा हो जाएगा, चलें इनको चरने देते हैं। अभी शाम के समय रोड किनारा आ ही जाएंगे पक्का। देखिए सनसेट होता हुआ, थोड़ी देर में सनसेट हो जाने वाला है और ये सुंदर नज़ारा है बहुत ज़्यादा। हम पनौत नाले पहुंचे हैं, आज नाले के पास कोई एक्टिविटी नहीं है। आज इस साइड भी कोई एक्टिविटी नहीं है, एक्टिविटी वाइल्ड लाइफ की, मतलब जैसे दूर किनारे पर भी दिख जाते थे वो आज यहाँ कोई हिरन नहीं दिख रहा है। आज थोड़ा मौसम धुंधला है, मतलब धुंध है, धूप कम है और ठंड ज़्यादा, वो है सामने शीतल, दूर है कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक साइड है। इलेक्ट्रिक फेंसिंग थी उसके जस्ट बगल में थे 10-12 हिरनों के झुंड। ये जो एरिया है ये यहाँ से जाता है टाइगर।
मैं तो कहूँगा रोज जाता होगा, है ना यार। सांवड़ यार बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो शायद इसी रूट को पकड़ के रखता है टाइगर। ये देखिए बंदर को, ये जो आगे गाड़ी जा रही है इसने खाना दिया, और पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा कि एक बंदर रोड किनारे डेथ कंडीशन में। जी हाँ, यहीं कहीं तो था वो उस दिन। हाँ आज ठंडा है ना, आज मौसम ज्यादा ठंडा है क्योंकि धूप में तेजी नहीं है और हवा जो है ठंडी है। वो देखें आप, वरना पहाड़ पर अब तक धूप जो है तांबे जैसा कलर जो होता है चटक वैसा दिखता इस टाइम पर भी, लेकिन धुंध है और पहाड़ों पर भी धूप ज्यादा नहीं दिख रही, और अभी वाइल्ड लाइफ की कोई मूवमेंट नहीं है। तो हम बातों बातों में हम पहुंच चुके हैं धनगढ़ी गेट के पास, देखते हैं यहाँ आसपास है कुछ। अबे आज यहाँ भी कोई मूवमेंट नहीं है ज्यादा वाइल्ड लाइफ की, ज्यादा का है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं दिख रहा है मुझे यार। हो सकता है धनगढ़ी गेट पार करते हैं पहले। धनगढ़ी गेट को क्रॉस करने के बाद हम पहुंचे हैं धनगढ़ी नाले पर, और देखते हैं यहाँ क्या एक्टिविटी है इस ग्रासलैंड में धनगढ़ी नाले के। है कुछ यहाँ भी कोई कॉल नहीं है, यहाँ भी कोई मूवमेंट नहीं है। चलो ये देखिए जंगलात वाले हटाते हुए उनको, एक गाड़ी वाले थे जो गाड़ी से उतरे हुए हैं उनको, वो गाड़ियां धो रहे हैं यहाँ पर देख ली। और यहाँ आता है टाइगर, खुद बोल रहे हैं जंगलात वाले, और गलतियाँ करता है इंसान ऐसी जगह पर रुकने की। तो पहाड़ के पीछे आ चुका है सूरज, देखिए फोटोग्राफी हो रही है, किस चीज की पता नहीं। क्या जांच पड़ताल कर रहे हैं, थोड़ी धूल है यहाँ पर। ये है कॉरिडोर वाला एरिया, यहाँ कोई मूवमेंट नहीं है वाइल्ड लाइफ की। पिछली बार मिले थे स्पॉटेड डियर का ग्रुप, ये डेंजरस फॉरेस्ट ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये एरिया बहुत ज़्यादा घना है, तो यहाँ ज़्यादातर स्पॉटेड डियर और सांवर डियर, स्पॉटेड डियर कम सांवर डियर का ग्रुप ज़्यादा दिखता है ना। हाँ सांबर डियर होगा तो मुख्य भोजन तो वैसे ही है टाइगर के लिए। फाइनली हम पहुंच गए अभी 0 पॉइंट पर, देख सकते हैं आप, देखते हैं यहाँ का क्या माहौल है, क्या मूवमेंट है। मेल स्पॉटेड डियर है, जैसे ही हमने गाड़ी रोकी वहाँ कॉलिंग यहाँ चल रही थी। ये देखिए देखते हैं कहाँ देखकर कॉलिंग कर रहे हैं, ये कर रहा है कॉलिंग, कहाँ गया ये।
पूरा झुंड यहीं ऊपर है। सब अलर्ट है, कुछ चल रहे हैं। ये कुछ स्पॉटेड डियर वहाँ से आ रहे हैं अंदर जंगल से निकलकर। यहाँ आते ही कॉलिंग मिली है, बस देखना है कि किस दिशा में वो देख रहा है। वैसे अभी एक ही स्पॉटेड डियर कर रहा है टाइगर कॉल, मतलब अलार्म कॉल। ये कर रहा कॉल लगातार, उधर देखते हैं क्या है। यहाँ देखते हैं, यहाँ देख कर कर रहा। उसने भी पूछ खड़ी नहीं करी, बस लेकिन कॉल दे रहा है लगातार। देख बाकी तो निश्चिंत होकर अपना चल रहे हैं। बाकी कोई अलर्ट नहीं है। हाँ पीछे वाला, पीछे वाला। आगे वाले दो जन लगते हैं बस। अगले खुले खुले होके खाना नहीं खा रहे हैं, देखो सब छिपे हुए हैं। यही दो हैं बिल्कुल सामने। ये भी चरने लग गए, कुछ स्पॉटेड डियर पीछे से आ रहे हैं। सब बिल्कुल झाड़ियों में ऐसे घुसे हुए हैं, दिखे ना टाइगर को, जैसे ऐसा लग रहा है ना। देखने में तो ऐसे लग रहा है। सब इकट्ठे हैं बिल्कुल यहाँ पर, और जितने पीछे थे वो भी आ गए हैं। कुछ वहाँ घूम रहे हैं, कुछ वहाँ घूम रहा है। बिल्लू का झुंड, पानी के पास से एक स्पॉटेड डियर ये निकल कर आ रहे हैं। एक और दो हैं, तीन। देखिए सब झाड़ियों में ऐसे छिपे हुए थे, दिख नहीं रहे हमें, है ना। झाड़ियों का ऐसा कलर है इनके ऊपर, घास का। धीरे धीरे निकलना शुरू। माहौल शांत हो गया भाई, अब माहौल शांत है थोड़ा। कॉलिंग सिर्फ यही दो दे रहे थे, तो आगे बढ़ते हैं, है ना, थोड़ा आगे चलते हैं। चलो हम आए हैं थोड़ा सा आगे, जीरो पॉइंट से आगे। वहाँ कुछ देर कॉलिंग हुई, उसके बाद सब शांत हो गए। तो हमें लगा थोड़ा आगे होकर आना चाहिए। ये एरिया बहुत ज़्यादा डेंजर है।
चलते हैं वापस यहाँ से। अभी हम थोड़ा वापसी जा रहे हैं, देखते हैं 0 पॉइंट पर फिर से। वैसे ट्रैफिक की संख्या बढ़ने पर थोड़ा सा इस साइड ना वाइल्ड लाइफ मैंने कम देखी है, वरना पहले जब आते थे हम लोग बहुत ज़्यादा दिखते थे यहाँ पर हिरन, बहुत ज़्यादा क्रॉस करते हुए रोड को। ये एरिया बहुत ज़्यादा शांत रहता है, पहाड़ के पीछे है ना। तो रिलैक्स हो गए, घूम रहे हैं, कुछ कुछ एक्टिव हैं हल्के हल्के, सब शांत है। तो दोस्तों वापसी में भी अभी आए हम मोहन के पास से होकर, तो सोच रहा कोई एक्टिविटी मिलेगी, अभी कुछ नहीं है, कोई नहीं। लेकिन जब जैसे ही पहुँचे हम कॉलिंग स्टार्ट हुई, काफ़ी देर कॉलिंग हमने रिकॉर्ड भी की और आपको दिखाई। तो अभी फिलहाल अंधेरा होने वाला है, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है ज़्यादा, तो निकलते हैं फिर यहाँ से। फिर एक स्पॉटेड डियर पहुँचा पानी पीने के लिए, सुंदर नज़ारा। कितना सुकून से टहल रहा है, देखो ना। तो अंदर से निकल कर आए हैं दो पीकॉक्स, तीन एक एक करके आ रहे हैं, 1 2 3। अभी हो सकता है हिरन इनको देखकर थोड़े से अलर्ट हो, झाड़ी हल्की फुल्की हल्की फुल्की हिली होगी ना। चौथा मोड़ आ गया, चौथा मोड़ आ गया। तो दोस्तों हम दोबारा आए अभी इस साइड की ओर, सोचा कुछ मिल जाए, लेकिन अभी भी कुछ नहीं मिला। तो दोनों बार आने पर भी कुछ हासिल नहीं हुआ, कोई बात नहीं। वाह, दो मोर हैं ऊपर। तो दोस्तों हम दोबारा धीरे धीरे आगे मोहन की ओर आ गए हैं, देखिए। खैर कोई बात नहीं, हर वक्त हर चीज़ हासिल नहीं होती है, हम बस ट्राई कर सकते हैं, कोशिश जारी रहेगी। फिलहाल वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, दुआओं में याद रखें। सो टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।